तक 11 से विभाजित है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखिए जो कि 3 से विभाज्य हो। अब देखो 3 से विभाज्य हो और सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिखना है। तो आप देखो पहला क्वेश्चन जैसे है 6724, क्या है हमारे पास का नंबर 6724। अब इससे पहले वाला नंबर हमें निकालना है, किससे पहले वाला, 6 से पहले वाला। तो 6 से पहले वाले नंबर के लिए आपको पता है कि संख्याओं को जोड़ा जाता है और वो 3 से अगर उसमें भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से भाजी होती है। तो पहले तो हम इन संख्याओं को जोड़ लें, 6 में 7 जोड़े तो 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, कितना आ गया इनको जोड़ने पर 19। अब 19 में कौन सी संख्या जोड़ें कि जिससे कि ये छोटी संख्या आ जाएगी कि ये 3 से भाज्य हो जाए। तो 3 के बारे में देखो, देखे 3 छिंग 18, 19 बच गया, तो 3 7 3 छिंग 18, 3 7 21, यानी कितना आना चाहिए हमारे पास 21। तो 21 में से 19 घटा दें अगर तो कितना जा रहा है, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 6 से पहले कितना आएगा, 2। क्या आएगा, 2 आएगा और उसके बाद में संख्या होगी 6 7 2 4। तो ये पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। तो आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। और एक बड़ी संख्या जो बोल रहा है, हमें एक ही संख्या का देखना है, तो बड़े अंक के लिए देखो, संख्या वही है हमारे पास, रिक्त स्थान है 6 7 2 4। अब हमारे पास में इनका अंक हमने जोड़ा था, कितना आया था, 19 आया था। अब हमें चाहिए 21। 21 के बाद में और संख्या क्या हो सकती है, 3 7 21, 3 8 24। 19 में 24 में से 19 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 में से 19 घटाएंगे तो 5 आएगा। और आगे बढ़ो, 3 8 27, 27 यानी एक ही अंक का चाहिए हमें। तो 27 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। और 3 2 का 30, 30 में से अगर 19 घटाएंगे तब तो ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी। देखो 30 में से अगर हम -19 करते हैं तो 2 अंकों की संख्या आ जाती है, कितनी, 11। तो हमें एक अंक की संख्या चाहिए और वो बड़ी संख्या चाहिए। पहले तो हमने छोटी निकाली थी, अब हमें चाहिए बड़ी। तो 30 से पहले क्या आता है 3 के बारे में, 3 8 27, 27 में से 19 घटाएं तो कितना बचेगा, 8। तो इसका मतलब है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 8। छोटी हमने पहले निकाली और अब बड़ी कितनी हो गई, छोटी 2 हो गई और बड़ी 8 हो गई। 8 कौन सी हो गई, बड़ी, ठीक है। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पूरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में भी हमें वही दोनों चीजें लिखनी है। तो देखो जोड़े हैं हम, संख्या लिखे पहले 4 7 6 5, रिक्त स्थान 2। जरा इन संख्याओं को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 4 और 7 कितना होगा, 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, ठीक है। आप सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक अगर निकालें तो 24 3 के पारे में आ रहा है ना, 24 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार में, 3 8 24, 8 बार में जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ क्या लगा दें, 0। क्या लगा देंगे, 0, यानी इसका आंसर छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 0। और ये कौन सी संख्या है, छोटी संख्या, ठीक है। अब देखो बड़ी संख्या निकालने के लिए इसी में वही संख्या है 4 7 6 5, रिक्त स्थान 2। हमारे संख्या जोड़ने पर कितना आया था, वही जोड़ा हमने, 7 3 10 11, 11 और 6 17, 17 3 20 22, 22 और 2 24 आ रहा हमारा, ठीक है। अब हमें बड़ी संख्या देखनी है, तो बड़ी संख्या 3 8 24, 3 8 27, 3 2 का 30। जरा 30 में से 24 निकाल के देखें तो कितना आ रहा है, 6।
देखें और भी कोई बड़ी संख्या हो सकती है, इसके अलावा तीन से विभाजित होने वाले, आपको पता है तीन तीन का अंतर आएगा तो 33, 33 में से 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 24 छः और तीन नौ, नौ बच जाएगा। अब नौ से बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो तो दो अंकों की हो जाएगी, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उस जगह पे हम बड़ी संख्या कितनी ला सकते हैं, नौ, नौ जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 24 की जगह पे इन सबको पूरा जोड़ेंगे तो 33 और 33 तीन के भाग में तीन से जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बड़ी संख्या क्या आ गई, नौ, नौ क्या हो गई है इसकी बड़ा अंक आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या करेंगे, स्थानों में ऐसा अंक लिखो ताकि संख्या 11 से भाज्य हो। हमने बोला 11